स्वागत है आप सभी का आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासों में हम बीमाएं पढ़ रहे थे, बीमाएं और मातृ भौतिक राशियों के, उसका छठा पार्ट है। आज छठे पार्ट में हम अगली बीमा पढ़ते हैं, नंबर 19, प्लान किस तरह। प्लान किस तरह, प्लांट ने एक नियम दिया था ऊर्जा से संबंधित। प्लांट स्थिरांक को दर्शाते हैं छोटे एच से, और प्लांट स्थिरांक का सूत्र बनाते हैं। प्लांट में ऊर्जा का समीकरण आता है E बराबर एच न्यू, तो एच का सूत्र बन जाता है यहाँ से, ऊर्जा बटे आवर्ती, ऊर्जा बटे आवर्ती। मैंने कहा था कि कार्य और ऊर्जा 70-80% बीमाएं बनाता है, तो हमें कार्य और ऊर्जा की बीमा डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो हमारे पास कार्य की जो बीमा है वो क्या थी, याद है क्या? कार्य की बीमा थी M1 M2 T-2, ठीक है। और आवर्ती की बीमा याद है क्या? आवर्ती की बीमा थी M0 L0 T-1। ध्यान है क्या? आवर्ती का सूत्र क्या था? 1/समय, ठीक है। हिसाब करो तो भाई M1 L2 और यहाँ L0 होता है L2, T-2 और T-1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस के दो में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 हो जाएगा। अरे बोलो निंजा, तो विवा आपके पास आ गई M1 L2 T-1, ठीक है। मात्रा लिख देते हैं, एमपीएस पद्धति में इसका जो मात्रक है वो होगा ऊर्जा का मात्रक जूल और आवर्ती का मात्रक पर सेकंड, पर सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो आपके पास आ जाएगा जूल इंटू सेकंड। बोलो ठीक है। और पर सेकंड को हर्ट्ज भी बोलते हैं, तो एक और बीमा बन सकती है, इसका एक और मात्रक बन सकता है, वो क्या बनेगा? यहाँ से जूल पर हर्ट्ज, जिसको आप लिख सकते हैं जूल इंटू हर्ट्ज इनवर्स। अरे बोलो नहीं क्या? ठीक है, अगला देखिए कि प्लांक स्थिरांक था, एच से दर्शाते हैं और ये इसका सूत्र था। अगर आगे अपने पास है वेग प्रमाण, नंबर 20, 20 नंबर पे हमारे पास है वेग प्रमाण का, नंबर 20 वेग प्रमाण का। जब भी फिजिक्स में प्रवणता की बात हो और जिसके साथ भी प्रवणता लगी होती है तो उसके बटे में दूरी आ जाती है। यहाँ वेग के साथ प्रवणता लगी हुई है तो हो जाएगी वेग बटे दूरी, ठीक है। और अगर दाब प्रवणता होती तो, दाब प्रवणता होती तो दाब बटे दूरी, यानी कि प्रवणता जिसके साथ भी लगेगी उसके बटे में क्या आएगा? दूरी। तो सूत्र क्या बढ़ जाएगा वेग प्रवणता का? वेग बटे दूरी, ठीक है। वेग बीमा याद हो गया आपको, नहीं आया तो वेग का सूत्र, वेग का सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, याद है ना? वेग का जो सूत्र है वो है विस्थापन बटे समय। जिससे हम बीमा बढ़ाते हैं तो बीमा क्या बनती है इसकी? M0 L1 T-1। तो हमारे पास आ जाएगी वेग की बीमा M0 L1 T-1। और भाई दूरी की बीमा बताओ, दूरी की बीमा आ जाएगी L1। हिसाब करो तो आपके पास आ जाएगा M0, ये L ऊपर जाएगा तो माइनस का और यहाँ प्लस का, तो L की पावर कितनी जाएगी? 0 और T-1, ठीक है। तो वेग प्रवणता का जो आपके पास बीमा है वो आ जाती है M0 L0 T-1। मात्रा कितने किसका? तो मात्रा है, हाँ भाई मात्रा देखिए, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड गुणा दूरी का 1/मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो आपके पास आया 1/सेकंड, ठीक है। 1/सेकंड का लिखते हैं सेकंड इनवर्स, 1/सेकंड को क्या लिखते हैं हम? सेकंड इनवर्स।
नंबर पे क्या आता है आपके पास, बल आघूर्ण। ध्यान दें, बल आघूर्ण को हम दर्शाते हैं टॉ से। बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं? टॉ से। और इसका सूत्र होता है बल गुणा कारक बलों के बीच लंबवत दूरी। तो ये आ गया आपके पास लंबवत दूरी। ठीक है, तो बल की विमा मैंने कहा था, बल की विमा याद होनी चाहिए। क्या है बल की विमा? बल की विमा आपके पास L1 T-2। ठीक है, और दूरी की विमा बताओ, दूरी की विमा आपके पास हो जाएगी L1। हिसाब करेंगे तो क्या जाएगा, L1 L2 T-2। मात्रा बताओ, तो मात्रा के MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। ठीक है, तो आ गया आपके पास न्यूटन इंटू मीटर। ध्यान हो तो ये बीमा किसकी है, कार्य की और ऊर्जा की भी है। MnI2T-4 की फॉर्मूला तो पूछा जा सकता है। ऐसी दो भौतिक राशियों का नाम बताइए जिनकी विमा मात्रक समान है। तो हम लिखते हैं कार्य और ऊर्जा बल आघूर्ण के समान है, इनकी विमा भी और सूत्र भी मात्रक भी। ठीक है, अगला देखिए, अगला है प्रतिबल। नंबर नेक्स्ट 22 नंबर पे हमारे पास आ जाता है प्रतिबल। प्रतिबल का जो सूत्र है नंबर 22, प्रतिबल, प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया सब में बल आ रहा है या कार्य आ रहा है। बल की विमा याद होनी चाहिए। बल की विमा क्या है? बल की विमा होती है L1 T-2। और क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल की विमा L2। याद है क्या? क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा L1। ये L2 ऊपर जाएगा तो माइनस का दो और यहाँ प्लस का एक, कितने बचेंगे? L-1 और T-2। ठीक है, तो आपके पास आ गया L1 L-1 T-2। अच्छा, मात्रक, मात्रक बताओ बेटा। तो मात्रक आ जाएगा बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक आ जाएगा मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको न्यूटन का सिंबल कैपिटल है और मीटर का सिंबल स्मॉल है का स्क्वायर, जिसको आप देख सकते हैं न्यूटन इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। याद करने का प्रोसेस तो एक जैसा है, बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसका सूत्र। सूत्र अगर आपको याद है तो आप सारी विमाएं बना सकते हैं। घबराए नहीं अगर सूत्र भी याद नहीं है। जैसे जैसे अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, जहां प्रतिबल आएगा उसका सूत्र आएगा, परिभाषा आएगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल प्रतिबल, परिभाषाएं आएंगी, तो वहां भी हम क्लियर करेंगे इस चीज को। अब जो विमाएं चल रही है इसमें जो है इनके केवल और सूत्र और विमा कैसे बनाते हैं, उसका मात्रक कैसे आया, कहां से आया, ये सब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अगला जो है 23 नंबर पे वो है विकृति। 23 नंबर पे हमारे पास हम ले लेते हैं, 23 नंबर पे हमारे पास है विकृति। 23 नंबर पे विकृति और विकृति का सूत्र होता है विन्यास में परिवर्तन, विन्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विन्यास। विन्यास में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विन्यास। पहले तो इसको समझो कि विन्यास में परिवर्तन कैसे, कि देखो अगर किसी को छड़ है, उन छड़ की लंबाई मान लीजिए L है,
प्रारंभ में छड़ की लंबाई L है और उस छड़ को हम किसी भी विशेष विधि द्वारा इसकी लंबाई को कम कर दे या ज्यादा कर दे, मान लीजिए ज्यादा कर, तो विन्यास में कितना परिवर्तन हुआ, मान लीजिए कितना परिवर्तन हुआ ये L डैश, ये इतनी इतनी दूरी हमने बढ़ा दी छड़ की, तो ये भी दूरी है और प्रारंभिक लंबाई कितनी थी L, तो प्रारंभिक विन्यास जो है वो भी है, दूरी बटे दूरी तो क्या जाएगा, दूरी से दूरी कट जाएगी। अगर क्षेत्रफल है, मान लीजिए कोई डब्बा है उसको हमने बढ़ा दिया, क्षेत्रफल ज्यादा कर दिया, तो क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट जाएगा, आयतन से आयतन, तो इसका मतलब ये विन्यास में परिवर्तन का और प्रारंभिक विन्यास जो है वो दोनों एक दूसरे को काट देंगे, तो यहाँ पर काट देंगे तो आपके पास बीम आ जाती है M0 L0 B0, यानी कि बीमाहीन, ठीक है, कोई बीमा नहीं होती। विन्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विन्यास का मतलब है लंबाई में परिवर्तन होगा और लंबाई का बढ़ा देंगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा क्षेत्रफल से क्षेत्रफल कट जाएगा, आयतन में परिवर्तन होगा तो आयतन से आयतन कट जाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर M0 L0 T0 क्या है, बीमाहीन, बीमाहीन मात्रा दे दे तो बेटा मात्रा क्या आएगा, विन्यास में परिवर्तन अगर मीटर में है तो प्रारंभिक विन्यास भी किसमें होगा, मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा मात्रकहीन, कोई मात्रक नहीं होता, उसको बोलते हैं मात्रकहीन, ठीक है ना, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, समझ गए। अच्छा आगे देखिए अगला जो है नंबर 24, ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद।